को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। सब एसटीआर। अब सब एसटीआर का मतलब क्या होगा? तो अगला अपना जो फंक्शन आता है, जो उसका आता है सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सब स्ट्रिंग। सब वर्ड जब भी आता है, सब डिविडेंड, सब डिविजन, ठीक है, उपखंड हिंदी में, उसका मीनिंग क्या होगा? जो मेन स्ट्रिंग है उसका अगर कुछ पार्ट आपको चाहिए उसमें से, ठीक है, जान लो किसी का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, वेणुगोपाल मुत्तु स्वामी अय्यर, और हमें केवल मुत्तु ही चाहिए या अय्यर ही चाहिए उसकी कास्ट, हमें ये चाहिए कि अय्यर सरनेम वाले अपने पास कितने एम्प्लॉई है, केवल यही चेक करना होता है, सही है कि नहीं? आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में केवल शर्मा डालते हो, आपको नाम याद नहीं है बाई चांस, तो वो केवल शर्मा शर्मा सर्च करता है कि नहीं करता है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, ये चीज़ कैसे हुई, कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ? आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो एक तरह का डेटाबेस है, नहीं है क्या डेटाबेस? इसमें किस टाइप के डेटाबेस है? करेक्टर भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, और आजकल तो ईमेल आईडी कुछ भी डालने के और भी फंक्शन आ चुके हैं। तो आप ये देखिएगा क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। अगर आप उसको एक स्ट्रिंग दे दोगे तो उसमें से उसकी सब स्ट्रिंग वो निकाल के आपको दे देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब स्ट्रिंग मतलब उसको तोड़ देगा। कैसे देना है आपको? एक तो सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर फंक्शन का नाम, स्ट्रिंग डालनी है, यानी यहाँ पर करेक्टर यानी कोई भी नाम आएगा, फिर उसमें कॉमा एम और फिर कॉमा एन, इसका मतलब समझिएगा, दो एम और एम क्यू है। बार वाला एम आपको ये शो कर रहा है कि आपको कहाँ से लेनी है, आपको वैल्यू कहाँ से चाहिए, और अंदर वाला एन चाहिए कितनी चाहिए, अब आपको अभी समझ नहीं आएगा आप यहाँ पर। और दूसरा इसका सिंटेक्स है सब एसटीआर, एसटीआर फ्रॉम एम फॉर एन, एम से एसटीआर स्ट्रिंग तो ये होगी और एम और एन ये चीज होगी। अब देखिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, स्ट्रिंग न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब जब आप क्वेरी देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ये तो चीज़ समझ में आएगी सब एसटीआर का काम क्या है। सब स्ट्रिंग का काम क्या, एक बड़ी स्ट्रिंग है उसको आपको तोड़ना है, ठीक है ना? इसलिए अब देखिए क्या होगा, बड़ी स्ट्रिंग को कहाँ से तोड़ना है और कितनी करेक्टर तक तोड़ना है वो चीज है इसके अंदर। यहाँ आप देखिए जो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में आपके सामने क्वेरी लिखी है, देखिए पहले क्वेरी पे फोकस कीजिए, सेलेक्ट सब एसटीआर, सेलेक्ट सब एसटीआर, इसमें क्या है स्ट्रिंग क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो एक स्ट्रिंग है, मान लो कोई भी नाम कह सकते हैं, या बी सी, मैंने क्या लिखा 3.4 और मैंने अभी आदत आपको बताई थी कि कॉमा करके सब लिख दो यहाँ पर, ये कोई भी नाम दिया मैंने उस फील्ड को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखो ये जो क्या करेगा, ये थर्ड लेफ्ट ऑनवर्ड्स, ये जो थर्ड है ना, 1, 2 और 3, यानी इन 3 को तो छोड़ देगा और आगे की तरफ क्या होगा, सी डी ई एफ, चार ही लेगा, 1, 2, 3, 4, 4 करेक्टर ले लेगा, यानी ये जो 3 है ना स्टार्टिंग से 3 छोड़ेगा, ए बी सी इनको लेफ्ट कर लिया, मतलब तीसरे पार्ट से शुरू होगा, थर्ड का मतलब क्या हुआ, थर्ड पार्ट से वो चीज़ शुरू होगी, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ राइट ऑनवर्ड्स, अगर ये माइनस का 3 होता तो राइट की तरफ से थर्ड होता, 1, 2 और 3। जिसको नहीं समझ आ रहा है मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इससे समझ, ये तो आपको बड़ी एक क्वेरी के रूप में मैंने यहाँ शो किया है, अभी हम जब क्वेरी कर रहे हैं और उसका आउटपुट देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूज होने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू डाल सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट की तरफ शो करेगा और नेगेटिव वैल्यू राइट की तरफ शो करेगा। देखेंगे आप इसी तरफ कि कैसे ये वर्क करता है, इसका देखने के लिए हम इसकी अगली जो है वो ये यहाँ देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेलेक्ट सब एसटीआर, सेलेक्ट सब एसटीआर ए बी सी डी ई एफ 3.4। जैसे ही मैंने 3 किया तो थर्ड नंबर जो है सी, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हुआ, लेफ्ट के थर्ड से, लेकिन कितने करेक्टर लेगा, 4 करेक्टर लेगा, बिकॉज यहाँ कॉमा करके हमने 4 लिखा है। यानी एम जो होगा, मैं एम कॉमा एन जो है इसका सिंटेक्स, एम ये डिसाइड करेगा पोजीशन क्या है, कहाँ से ब्रेक करना है स्ट्रिंग को, और एन ये डिसाइड करेगा नंबर ऑफ करेक्टर कितने लेने हैं। तो ये
देखिए चार करेक्टर है यहाँ पर, सी डी ई एफ, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया। अब मान लो आपका नाम है राज और कुमार, मान लो आपका नाम ये है, किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? ये नाम जो है राजकुमार है, और आपने गलती से ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो लिखा ही नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं? अब आप ये चाहते हो, आप ये चेक करना चाहते हो कि जो कुमार वर्ड है, क्या चेक करना चाहते हो कि कुमार वर्ड है वो मुझे चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो आपने क्वेरी लिखी यही, ये सब एस टी आर वाली क्वेरी लिखेंगे आप, सब एस टी आर वाली क्वेरी लिखेंगे उसमें, और कुमार में कितने वर्ड थे? के यू एम ए और आर, कितने वर्ड आ रहे हैं भाई? ये है पांच है, कितने हैं ये? पांच है। और आगे क्या था? राज था कि नहीं था? समझिएगा एक बार 2 मिनट के लिए, ठीक है? मैंने एक क्वेरी लिखी, सब एस टी आर लिख दूंगा, ब्रैकेट में ये नाम लिख दूंगा, ब्रैकेट में ये नाम आ जाएगा, अब कॉमा करके समझिएगा, एम क्या आएगा? 1 2 3, हमें थ्री तो नहीं चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए? फोर्थ से चाहिए, क्योंकि कुमार नेम चाहिए, ये फोर्थ यहाँ पर है, मैं यहाँ लिख दूंगा फोर लिख दूंगा एक, तो यानी फोन नंबर से तो मेरे को चाहिए, कॉमा करके कितने करेक्टर है मेरे पास? 1 2 3 4 और 5, 5 करेक्टर है, कितने करेक्टर है? 5, तो 4, 5, ये क्वेरी आएगी, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वापस समझा रहा हूँ कि राजकुमार नाम का एक नाम है जिसमें मुझे तो केवल कुमार चाहिए, ठीक है ना, उस नाम में से, तो कुमार कहाँ कितने नंबर पर आ रहा है? के 1 2 1 2 और 3, यहाँ तो आ नहीं रहा है, 4 नंबर पर आया है, तो ये 4 लिख दिया मैंने, क्लियर हो गया। और ये 1 2 3 4 5, ये करेक्टर कितने? 5 करेक्टर है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? बस ये चीज़ हो रही, सब स्ट्रिंग उसको तोड़ दे, अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो, क्लियर हो गया? तो जब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो? उस चीज को देख रहे हो कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अब मैंने एक वैल्यू क्या ले ली? नेगेटिव ले ली। अब मैंने एक वैल्यू क्या ले ली है? नेगेटिव ले ली यहाँ पर, ये देखिए -3 ले लिया। अब -3 +3 क्या कर रहा है? लेफ्ट की तरफ है। -3 किसकी तरफ जाएगा? राइट की तरफ। मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, ये देखो पॉजिटिव वैल्यू किसकी तरफ होती है? जिस डायरेक्शन में होती है उसके अपोजिट चलना है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं? इस हिसाब से अब देखिए यहाँ पर -3 एंड राइट, 1 2 और 3, ठीक है, और ये 4 करेक्टर, यानी इसकी तरफ से ये मतलब करेक्टर छोड़ देगा और डी ई एफ यानी ये वैल्यू आपको शो कर देगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए अब आगे की तरफ अगर अपन बढ़े, अपर केस, कौन सा बात बात कर रहे हैं? अपर केस की, ठीक है। अब अपर केस में तो सिंपल ही है, अपर केस में क्या होगा? लोअर केस की जगह अब क्या आ जाएगा अपने पास? अपर केस आ जाएगा। लोअर केस में क्या आ जाएगा अपने पास? अब अपर केस यानी यू केस। दिस फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू इन द अपर केस, यानी कैपिटल लेटर में आपको वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये अपर केस कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे? अपर एस टी आर लिख देंगे या यू केस एस टी आर। अब देखिए आर्ग्यूमेंट क्या है इसका? एस टी आर है। आर्ग्यूमेंट क्या है? एस टी आर है, और रिटर्न वैल्यू क्या है? एस टी आर है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अपर केस में लानी है तो कुछ नहीं, अब अपर केस में किसके साथ करूँगा? टेबल के साथ करूंगा। टेबल में मेरे ऑलरेडी वैल्यू रवि स्ट्रिंग वो सब अगर कैपिटल होगी तो अपर केस भी मुझे कैपिटल वैल्यू ही देगा। दोनों चीज अपन अपन यहाँ चेक कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पर क्वेरी देखने को मिलेगी, यहाँ पर सेलेक्ट वो ई नेम, लोअर की जगह मैंने क्या कर लिया है? अपर कर लिया है, बाकी एज इट इज वो ही रखा। और एक मैंने यहाँ पर 2 क्वेरी लिए, सेलेक्ट अपर और ये लार्ज करके ले लिया और इसके अंदर अपर केस लिख दिया। 2 क्वेरी आपके सामने मैंने यहाँ लिख दी, टेबल वाली भी आ गई और डायरेक्ट वाली भी आ गई, ठीक है। दोनों को एग्जीक्यूट करें, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस दौरान स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एग्जीक्यूट क्वेरी के लिए में यहाँ पर देखेंगे आप सेलेक्ट ई नेम, ये ई नेम है, इसमें अपर ई नेम एज एम्प्लॉय नेम लिख रहा हूँ मैं और फ्रॉम एम्प्लॉयज,
ऑलरेडी मेरे पास जो डेटाबेस था उसके अंदर सारे कैपिटल थे, तो उसके जो एम्प्लॉय नेम है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट उसने भी कैपिटल ही दिए, कोई स्मॉल था ही नहीं। ठीक है, तो बाई चांस जिनको यहाँ क्वेरी समझ नहीं आ रही है तो वो अपने यूजर से एक इंसर्ट करवा दे एम्प्लॉय नाम की टेबल में स्मॉल में, और आपको यहाँ कैपिटल मिल जाएगा। अब एक इंडिविजुअल जो क्वेरी थी, इंडिविजुअल यानी एक सिंपल क्वेरी, वो कैसी दिखती है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर, यहाँ देखेंगे सेलेक्ट अपर, और फिर मैंने नाम दे दिया लार्ज, तो सारे कैपिटल करने के लिए इसको नाम दे दिया अपर कैस फील्ड को, और क्या हो गया सारे क्या हो गए लार्ज हो गए, सारे क्या हो गए लार्ज हो गए सारे कैरेक्टर। ये चीजें क्लियर हो गई, सिंपल है, कोई इशू नहीं। ठीक है, नाउ अब अगला जो फंक्शन आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है ट्रिमर, ट्रिम नाम का एक फंक्शन होगा। क्या नाम होगा? ट्रिम। अब जनरली आप ट्रिमर कहाँ यूज करते हो? सेविंग करने में क्या करता है? कोई चीज को छोटा करता है, लेफ्ट से करोगे तो लेफ्ट से करेगा, राइट से करोगे तो लेफ्ट से करेगा, सेंटर से करोगे सेंटर करोगे, जहाँ से चाहोगे वहां से कर लेते, मिड से भी कर सकता है। ठीक है, ट्रिमर जो है आपने वीडियोस देखे होंगे, ऑडियोस देखे होंगे, आप उनको ट्रिम कर देते हो। ठीक है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है, मिड पॉइंट भी होता है, या पर्टिकुलर पॉइंट भी जो होता है वहां से भी आप कर सकते हो। तो उसी तरह हम यहाँ पर पढ़ेंगे एल ट्रिम और आर ट्रिम। एल ट्रिम होगा लेफ्ट साइड से ट्रिम होगा, आर ट्रिम होगा राइट साइड से ट्रिम करेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। रिमूव्स लीडिंग स्पेस स्पेस फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग है उसके यहाँ आगे से आपने स्पेस दे दिया, मान लो आपने यूजर से नाम टाइप करवाया स्टार्टिंग नेम, उसने पहला स्पेस दे दिया और फिर राम लिखा। कई बार अपन नाम लिखते हैं अर्जुन राम, तो अर्जुन फिर स्पेस फिर राम लिखता है, ऐसे कई कई नाम होता है, और कुछ नामों में नाम गैप ही नहीं होता। सत्य नारायण, कुछ सत्य अलग लिखता है नारायण अलग लिखता है, जबकि वो नाम एक ही। तो क्या यूजर को अपन कान पकड़ जाएंगे कि नहीं आपने गलत किया? उस दौरान हम अपने सॉफ्टवेयर को इतना स्टार्ट अच्छा बनाएंगे कि डेटा किसके लिए आ रहा है? हमारे लिए आ रहा है। काम किसको करना? हमें करना है डेटाबेस पे। यूजर तो भर के चला जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो किस तरह कंप्यूटर से काम करना, किस तरह से सॉफ्टवेयर को काम करना, वो यहाँ पे चीज है। तो क्वेरी क्या यहाँ है, सेलेक्ट एल ट्रिम स्पेस दे दिया मान लो, और आर डी बी एम एस माई एस क्यूएल, ये एक मान लो एक करेक्टर है, इसको कॉमा में लेना है, ध्यान रखना। स्पेस भी एक टाइप का करेक्टर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कॉमा, ये पूरी एक स्ट्रिंग आ गई। रिमूव लीडिंग स्पेस स्पेस फ्रॉम राइट गिवन स्ट्रिंग। अगर राइट की तरफ देखिएगा या राइट में अगर किसी ने स्पेस दे दिया है उसको भी ये रिमूव कर देगा, यानी एल ट्रिम किसको रिमूव करेगा? आगे वाले स्पेस को, ये चीज समझ आई। और आर ट्रिम किसको करेगा? पीछे वाले स्पेस को। ये चीजें क्लियर होती है? क्वेरी को देखो और इम्प्रूवमेंट करेंगे इसको। क्वेरी देखेंगे हम यहाँ पर। क्वेरी देखने के लिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो ये क्वेरी है जो दिख रही है सभी स्टूडेंट्स को, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है सेलेक्ट एल ट्रिम, ये स्पेस दिया हुआ है, आप दिख रहा है, ये स्पेस यहाँ गायब हो जाएगा और केवल आर डी बी एम एस और माई एसक्यूएल, यानी आर डी बी एम एस और माई एसक्यूएल आ गया, यहाँ इसके कोई आगे स्पेस नहीं आएगा। अब देखो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा आपको इसमें, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ तो स्पेस था, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी तरह इसमें राइट साइड में देखो यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर ये एल ट्रिम का एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल था? एल ट्रिम का। उसके बाद में मैंने आर ट्रिम का एग्जाम्पल लिया, ये रहा आर ट्रिम। ठीक है, आर ट्रिम में यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये स्पेस था लेकिन अब यहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको समझ नहीं आया क्योंकि स्पेस था भी या नहीं भी था या कुछ ज्यादा शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस स्पेस की जगह मान लो कि कोई करेक्टर हो गया। कई बार आप स्कूल में जाते हो, आप खुद भी एक एग्जांपल हो उन लोगों के सामने, मेरे पिताजी के नाम के पीछे लाल नहीं है साहब, लाल हटाना है, तो अपन डिलीट करके हटा देते थे। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और आपने एक अलग से एप्लीकेशन दी कि भाई मैं फॉर्म में मैंने गलती से नाम लिख दिया था, कृपया नाम हटाइए, तो आप डेटाबेस में हर एक का नाम थोड़ी हटाओगे इंडिविजुअल जाके। आपने एक ऐसी क्वेरी लगाई जिसके पीछे ये वर्ड है वो ऑटोमेटिक हट जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेरी से काम हुआ। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक क्वेरी लगाऊंगा कि ये जो पीछे वाला जो ट्रिम था ये लेफ्ट से ट्रिम किया,
अगर लेट सपोज करना है यहाँ पे सेलेक्ट एल ट्रिम, मैंने यहाँ लिख दिया जीरो, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड समझिएगा, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया है जीरो एक्स, क्या लिख दिया है मैंने यहाँ पे जीरो एक्स, समझिएगा मेरी बात को, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे जीरो एक्स, सेलेक्ट एल ट्रिम जीरो एक्स, तो वो लेफ्ट साइड से जो जीरो एक्स होगा वो हटा देगा और केवल आर डी वी एम एस आ जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी करेक्टर आ रहा है लेफ्ट साइड में वो उसको हटा देगा, ये चीज दिमाग में रखना। इसी तरह राइट साइड में भी ये जो स्पेस आ रहा है ये इसको भी, इसमें भी यहाँ पे आप कोई वैल्यू रखोगे तो वो उसको हटा देगा, ये चीजें क्लियर हुई थी। लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट की बात हो रही है, बीच की वैल्यू आती है और सेकंड नंबर थर्ड पॉइंट पर कुछ हटाना है तो आपको पता नहीं चलेगा, ये चीजें दिमाग में बैठा लेना, ठीक है कि नहीं, वगैरह वो चीज आपसे।